नगर निगम सदन की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें विगत दिनों होने वाली बारिश के बाद शहर में बनी जल प्लावन की स्थिति को लेकर विपक्ष ने निगम सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की। नगर निगम नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल ने निगम की सत्ता पर गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाने और अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जिस पर महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू का कहना था कि भाजपा सत्ता काल के दौरान LNT द्वारा बनाए गए नाले शहर के लिए कोढ़ साबित हो रहे हैं। महापौर ने कहा कि अंग्रेजों के समय में जो नाले 100 फीट के हुआ करते थे, अब वे 10 से 12 फीट के बना दिए गए हैं। नालों को पूरी तरह से पैक कर दिया गया है, जिस कारण इनकी सफाई करना नामुमकिन है और बारिश होते ही नालों से निकला पानी लोगों के घरों में घुस जाता है। महापौर ने कहा कि इस बार निर्माण किए जा रहे नालों को हम पूरी तरह से कवर नहीं कर रहे हैं, इतना हिस्सा छोड़ा जा रहा है जिसमें सफाई हो सके। अंग्रेजों के समय 1.5 लाख की आबादी में जो नाले 100 फुट के हुआ करते थे, वो पिछले कार्यकाल में उसे 12 फीट और 15 फीट का बना दिया गया और बॉक्स नुमा बंद कर दिया गया और साइड की जगहों को बंद कर दिया गया। अगर 100 फीट का नाला अगर 12 फीट का कर दिया जाए 15 लाख 16 लाख की आबादी में, तो आप सोच सकते हैं कि जल प्लावन तो होगा ही, उस पर हम लोगों को कुछ कड़े और कुछ बड़े निर्णय लेने की आवश्यकता है। सफाई व्यवस्था से अतिक्रमण हटाकर और कुछ और पाइपलाइन डालकर हम लोग ये व्यवस्था बना रहे हैं कि जल प्लावन इस वर्ष कम हो, खत्म नहीं हो सकता, परंतु निश्चित तौर पर आने वाले समय में जल प्लावन भी हम लोग खत्म करेंगे। और ये 273 करोड़ रुपए की राशि से बॉक्स नुमा छोटे छोटे बंद नाले, ओमती नाला, मोती नाला जो शहर में बनाया गया है LNT के द्वारा, वो आज हमारे लिए कोड़ जैसा हो गया है, जिसके कारण आम जनता के घर में पानी भरता है। हम लोग प्रयासरत हैं कि आने वाले वर्ष में इसका कुछ अच्छा निर्णय निकालेंगे। इस वर्ष जल प्लावन पहले से कम होगा और उसके आने वाले वर्षों में हम लोग ऐसा मानते हैं कि लगभग जबलपुर शहर से जल प्लावन खत्म होगा। लगातार 4 दिनों तक साधारण सभा की बैठक चली, सभी सम्माननीय सदस्यों के द्वारा सारगर्भित सुझाव दिए गए, उनके क्षेत्र की समस्याएं बताई गई। सदन में ये सुनिश्चित हुआ कि जो भी समस्याएं सम्माननीय पार्षदों के द्वारा बताई गई हैं, उस पर कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। 1 सप्ताह में प्रतिवेदन बन जाएगा एवं प्रतिवेदन बनने के बाद 30 दिन में क्षमा करना, 1 सप्ताह में मिनट्स बन जाएंगे और मिनट्स बनने के बाद 30 दिन के अंदर प्रतिवेदन मांगा गया है अधिकारियों से, निर्देशित किया गया आसंदी से कि 30 दिन में प्रतिवेदन दें कि जो कार्य पार्षदों ने बोले हैं वो हुए कि नहीं हुए, और नहीं हुए तो किस कारण से नहीं हुए। जिस तरीके से अभी आपने पूछा नालों के संबंध में जल प्लावन के लिए, उसमें भी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जल प्लावन ना हो, उसके लिए 1-2 सुझाव आए हैं। माननीय महापौर जी ने भी सुझाव दिए हैं, उनके सुझाव के हिसाब से लगभग उसमें 125 करोड़ रुपए की राशि खर्च होनी है, वो राशि निगम के पास नहीं है, तो उस पर हम सब मिलकर तय करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को आग्रह करेंगे जाके कि इसके लिए हमको राशि दी जाए। उनका ये कहना कि पिछले महापौरों के कारण जल प्लावन हो रहा है, ये एकदम गलत है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ।